नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। दूसरे वनडे के लिए होलकर स्टेडियम तैयार। 14 अक्टूबर को भारत की टक्कर दक्षिण अफ्रीका से। 27,000 दर्शक क्षमता वाला इंदौर का होलकर स्टेडियम 14 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंदौर में 11वीं मर्तबा वनडे मैच खेला जा रहा है। दोनों टीमें इंदौर पहुंच चुकी हैं। मंगलवार की सुबह भारतीय टीम ने नेट प्रैक्टिस की, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम दोपहर 1:30 बजे अभ्यास करने उतरेगी। होलकर स्टेडियम में अब तक 3 मैच हुए हैं और तीनों में भारत जीता है। 2 बार उसने इंग्लैंड को और 1 बार वेस्टइंडीज को हराया है। मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ा वन प्लस। चीन की हैंडसेट बनाने वाली कंपनी वन प्लस ने कहा कि उसने भारत में स्थानीय असेंबली परिचालन के लिए फॉक्सकॉन के साथ भागीदारी की है। फॉक्सकॉन के आंध्र प्रदेश स्थित श्री सिटी संयंत्र से स्मार्टफोन के पहले बैच का उत्पादन इस साल के अंत तक वाणिज्यिक तौर पर उपलब्ध हो जाएगा। वन प्लस के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी पेटे लाओ ने कहा कि भारत में स्मार्टफोन का उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है जो हमने अब तक वन प्लस में किया है। गौरतलब है कि भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता स्मार्टफोन बाजार है। अमेरिका ने सीरियाई विद्रोहियों को 50 टन हथियार दिए। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस से लड़ रहे विद्रोहियों को 50 टन हथियार और गोला बारूद उपलब्ध कराया। अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि लड़ाकू विमानों की निगरानी में C-17 विमानों ने सीरिया के हसाकेह प्रांत में गोले बरसाए हैं। इनमें गोला बारूद के अलावा छोटे हथियार और ग्रेनेड भी शामिल है। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में सीरियाई लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन हासिल है।